حجر تنجر نقدر جزي قبشو بخشي ديد رم مين آدي آدي يون يومين قراني دیدار کرتا ہے جیسا کی ہمارے یہاں 84 لاکھ یونیوں کا ورنن ملتا ہے جس پر سٹرے کی نیونی ارتھارت جیو کا ایک پرکار جگت میں شیولنگ ایم نیونی کو انگ وشیش کے روپ میں پرچارت کرنا سناتن دھرم کو پردوشت کرنے کی کون چیسا ہے शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है आदमी शिव के पर स्थान के सही जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियाँ है यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियाँ दूर हों शिव में विश्वास उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव की प्राण समझ की संज्ञा है अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है एक चिन्ह है एक प्रतीक है ये शिवद्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर शिवे द्वार एक भीतरी प्रवेश के लिए यह प्रतीक इस स्पष्टता के उपरांत में ब्रह्म का अर्थ जारी करना उचित नहीं है ऐसे कई युग बीत गए
का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्याप्त कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेवी इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु को सारी देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की भगवान से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रुद्र प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नारद शस्त्र उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नारद
مقدس نکلی ہوئی دنیا جو آج اس سنسار میں ویاپت ہے. اس بھومنڈل پر کوئی بھی ویکتی کسی بھی بھاشا میں اپنی ابھیویکتی کرتا ہو اس کا ادم سروت مہادری کا بٹھو بھی ہے اور سرار ہوتا Hallelujah.